चलिए सभी को नमस्कार। अभी मैं निकुमनिया हॉल निर्जुली पे हूँ। जैसे कि आप सभी को जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, आज यहाँ पे निकुमनिया हॉल निर्जुली पे जो कि निशु आइडल सीजन 7 का जो जनरल ऑडिशन आज यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि आपको मैं निशु आइडल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि निशु आइडल जो सीजन 1 से लेकर जो सीजन 6 तक मना चुका है, तो आज यहाँ पे जो निशु आइडल सीजन 7 का जनरल ऑडिशन आज यहाँ पे रखा गया है। आज से जो निशु आइडल सीजन 7 है जो कि आज से शुरू होता है, आप मेरा पीछे देख रहा होगा, यहाँ पे जो आज जो जनरल ऑडिशन के लिए यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट जो साथी साथ कमी थी जो यहाँ पे आज अभी जो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है जैसे कि ऑडिशन के लिए। आपको मैं निशु आइडल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जो निशु आइडल जो क्यों मनाया जाता है। निशु आइडल जो इसलिए मनाया जाता है कि जो निशु कम्युनिटी है, निशु ट्राइब का जो यंग जनरेशन होता है उसको जो आगे ले जाने के लिए, जो आर्टिस्ट में जो सिंगिंग में आगे ले जाने के लिए ये निशु आइडल को मनाया जाता है। जैसे कि आपको मैं ये बता दूं कि जो कमिटी की तरफ से मुझे ये बता रहा है कि जो निशु आइडल जो आज जो जनरल ऑडिशन में जो 100 से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, और कमिटी हम मुझे ये भी बता रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का विनर हो गया, जो फर्स्ट रनर अप हो गया, सेकंड रनर अप हो गया, उसको जो डिस्ट्रिक्ट आइडल का फर्स्ट रनर विनर और फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप उसको जो विनर को डिस्ट्रिक्ट आइडल का विनर को जो फर्स्ट राउंड में जो एंट्री करने के लिए मौका दिया जाएगा, और जो फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप है उसे मेगा ऑडिशन पे जो एंट्री करने का मौका दिया जाएगा। ये जो निशु आइडल सीजन 7 का कमिटी की तरफ से मुझे ये बता रहा है। चलिए आपको अभी मैं अंदर ले चलते हैं। अंदर पे आपको हम ये दिखाएंगे कि आज जो निशु आइडल सीजन 7 का जो जनरल ऑडिशन किस तरह आज यहाँ पे कर रहा है, आपको मैं उसको दिखाने के लिए अंदर ले चलते हैं। चलिए
आज हम लोग का मिस्सी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी में 3 साल का बाद हम लोग एक आयोजन करता है अंडर द एफिलिएटेड होती है निसी आर्ट निसी एलीट सोसाइटी ने इसके अंदर में हम लोग करते हैं। आज हम लोग जनरल एडिशन किया है तो आज का यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डीसी वाला पहले कर चुका है जैसे कि इस कमिंग हो गया कुरुंगको में हो गया कहीं कहीं जगह तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट से आयदुल कर चुका हो। बाकी बात आज जो जनरल एडिशन जो कर रहा है कहीं कि अपर सुबनसिरी में हो गया असम में हो गया कैपिटल में हो गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो गया सियांग बेल में होगा कमिंग बेल में कहीं कहीं उस ज्वाइन करने नहीं सका है उसका ऊपर में आज हम लोग तो ऑडिशन ले रहा है असम से भी आया है और यहाँ कैपिटल बैठने वाला है और कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी कोई माइग्रेशन करने वाला बैठने वाला उनके लिए आज ले रहा है। आज करीब 100 से ज़्यादा लिया है तो टोटल लेकर आज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से 20 जैसे हम लोग सेलेक्ट करके और मेगा में हम लोग ले जाएगा। मेगा सब ये 10 तारीख में करा जाएगा ये का जून का 10 तारीख। सर जैसे कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट लोग हैं यहाँ से किसी को सिलेक्ट हुआ है और किसी को सिलेक्ट नहीं हुआ है सब आपका तरफ से एज ए चेयरमैन आपका तरफ से क्या मैसेज है सर? नहीं उसको हमारा मैं रिक्वेस्ट हूँ तो सबको जो पार्टिसिपेट लिया आपने किया उस माइंड नहीं करना है और अभी आज सेलेक्ट नहीं करने से भी नेक्स्ट अगले साल में तो हो जाएगा। तो जितना जो भी यहाँ निसी जनजाति समाज का जो शाही संघ शाही सलाम से जो गाना पॉपुलरिटी जो बादिन आर्टिस्ट ले जाता है उनको वो लोग जहाँ हम लोग 5 तो रखा है सेलेक्ट करने वाला उनका ऊपर में डिस्कस करता है। सर और एक सवाल आपसे मैं करता हूँ जैसे कि खबर ये पाया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट का सर विनर है उसको फर्स्ट राउंड में एंट्री किया जाएगा ये सर कहा था हम लोग तो ये डिस्ट्रिक्ट वाला को फर्स्ट एलिमिनेटर राउंड में सेलेक्ट करेगा जो विनर वाला को ना उसमें ऑलरेडी हम लोग कमेंट्स किया ऑलरेडी हमने सर्कुलर किया है डिस्ट्रिक्ट से करके जो रनर ऑफ किया फर्स्ट रनर ऑफ जो आया है और विनर है उनको हम लोग मौका दिया जाएगा कि एलिमिनेटर राउंड में और बाकी जो है कल मेगा तक भी उन लोग आज का जो सेलेक्ट वाला मेगा तक पहुँचेगा।